बहुत दुख के साथ 13 तारीख से जो ड्रामा चल रहा है भाजपा के प्रधानमंत्री जी के बिना इशारे के ये नहीं हो सकता। आज फिर सदन में चलने नहीं दिया गया सदन को। क्या मांग है हमारी? सिर्फ यही कि इस देश के आजादी के बाद जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है लाखों करोड़ का, अडानी जो 6 से 9वें नंबर पे था 2 पर लाने के लिए सारी संपत्तियां बेच दी गई, नियमों को शिथिल कर दिया गया, खान रेल एयर सब उसके हवाले कर दिया गया, उस पर जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं हम। और जेपीसी को पहली बार नहीं बनेगी, यहां तो 1 करोड़ कुछ के घोटाले पे जेपीसी अब बन चुकी है, और लाखों करोड़ के घोटाले के बाद जेपीसी की मांग हमारी स्वीकार नहीं हो रही है। सारे विरोधी दल के नेतागण, सारी पार्टियां एक स्वर से जेपीसी की मांग कर रही है। जेपीसी से डर क्यों, घबराहट क्यों है? इसलिए कि अगर जेपीसी हुई तो भाजपा के चेहरों से नकाब हट जाएगा, और ऊपर से लेकर नीचे तक जिन्होंने गरीबों के, मध्यम वर्ग के लोगों के हकों को मार के अडानी की तिजोरी में भरा है, पूंजीपतियों की तिजोरी में भरा है, वो भाजपा बेनकाब हो जाएगी। इसलिए भाजपा जेपीसी नहीं मान रही है और सदन को इसीलिए नहीं चलने दे रही, और मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कि जेपीसी की बात ना हो, हमारे नेता श्री राहुल गांधी के आवास पर कल जो नृशंसतापूर्वक गैर कानूनी ढंग से जमावड़ा किया गया, हमारे विरोधी दल के कई नेता, ईडी, तमाम इनकम टैक्स, इनका दुरुपयोग करके उनको आतंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम सब ने ये शपथ ली है कि जो सबसे बड़ा घोटाला भारत माता के चरणों में बैठकर हुआ है, जब तक जेपीसी की मांग नहीं स्वीकार होगी, चाहे ये जितना आतंक फैलाएं, चाहे जितना डराएं, हम लोग जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो भाजपा से क्या डरेंगे। हमारी मांग कायम है, आज हम लोगों ने सब ने बैठकर तय किया है कि वी डिमांड जेपीसी, और जब तक जेपीसी नहीं होगी लोकतांत्रिक ढंग से हमारी संघर्ष जारी रहेगा। एक बात जरूर कह दूंगा, जो कल उन्होंने कार्रवाई की है राहुल जी के यहाँ, हम उसकी निंदा करते हैं। जो विरोधी दल के बहुत से नेताओं के यहाँ हो रहा है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, हम उसकी भी निंदा करते हैं। और इतना जरूर कहना चाहते हैं, चाहे जितना भय, जितना आतंक, जितना आप पुलिस राज कायम कर लो, ये सिर्फ यही बयान कर रहा है, ये तानाशाही का ट्रेलर है। तानाशाही की पूरी स्टोरी आना अभी बाकी है। हमारा संघर्ष जेपीसी के लिए जारी रहेगा, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है, नेताओं के लिए नहीं, जनता के लिए है।